नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं फ्रेडरिक एंगल्स की बहुचर्चित पुस्तक प्रकृति का द्वंद्ववाद इसके साथ उपस्थित हूं। इस पुस्तक का अनुवाद गुणाकर मुले ने किया है। फ्रेडरिक एंगल्स मार्क्स के मित्र थे, जाने माने जर्मनी के दार्शनिक थे और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स ने जब लिखा था तो एंगल्स के साथ मिलकर लिखा था। राजनीति विज्ञान और दर्शन के जो भी छात्र हैं उनको पता होगा कि मार्क्स के साथ हमेशा एंगल्स का नाम लिया जाता रहा है। और मार्क्स के निधन के बाद उनकी जो बहुचर्चित कृति है जिसका नाम पूंजी, अंग्रेजी में कैपिटल, उसके दूसरे और तीसरे खंडों का संपादन भी एंगल्स ने किया था। परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति और प्रकृति का द्वंद्ववाद, ये उनकी बहुचर्चित पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एंगल्स जाने माने उद्योगपति थे, उन्होंने विचारों से समाजवादी थे और माना यह जाता है कि अगर उन्होंने मार्क्स की मदद नहीं की होती आर्थिक रूप से तो मार्क्स दुनिया में अपना जो दर्शन है साम्यवाद का, समाजवाद का, मार्क्सवाद का, वह नहीं दे पाते। चूंकि एंगल्स अपने आप में दार्शनिक थे और वे समाज की बराबरी का, वर्ग भेद से संबंधित जो समाज है उसका सपना देखते थे, इसलिए उन्होंने एक दर्शन लिखा जिसमें प्रकृति का जो द्वंद्ववाद है वो ये मानते हैं कि प्रकृति में हमेशा दो तरह की सत्ताएं रहेंगी ही रहेंगी और उनके बीच आपस में एक मुकाबला होता है। दुनिया के मजदूरों एक हो, यह नारा प्रकृति का द्वंद्ववाद का जो मूल तत्व है उसमें सामने आता है। गुड़ाकर मुले अमरावती जिले में पैदा हुए, विज्ञान और विज्ञान का इतिहास, पुरातत्व, पुरालिपि, इन विषयों पर उन्होंने गहन अध्ययन किया। 50 से अधिक उनकी मौलिक पुस्तकें हैं, 3000 से अधिक उन्होंने हिंदी के लेख लिखे। दर्शन से संबंधित भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद से भी जुड़े रहे और उन्होंने इस पुस्तक को हिंदी में लाने की कोशिश की। यह 1971 की बात है जब उन्होंने ये समझा कि भाई हिंदी में एंगल्स की इस चर्चित कृति का अनुवाद होना चाहिए। पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस जो उस समय था, जो रशियन साहित्य और रूसी किताबों का अनुवाद हिंदी में परोसता था भारत में और बहुचर्चित था, यह काम दूसरे लोगों ने लिया और अंततः जो है इसका अनुवाद करना एक चुनौती के रूप में था, जिसको गुड़ाकर मुले ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और उन्होंने अपना सारा काम छोड़ के इस पुस्तक के अनुवाद में लगाया। और 2009 से पहले उन्होंने इस पुस्तक का अनुवाद संपूर्ण किया। यानी आप समझ सकते हैं कि जिस काम की चुनौती 1971 के आसपास ली गई, वह काम 2009 में जब पूरा हुआ तो पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस बंद हो गया। बंद हो गया इसके बाद उन्होंने इस पुस्तक को जो है राजकमल प्रकाशन को दिया और यह पुस्तक जिस रूप में आई है, चूँकि दर्शन की पुस्तक है और जो द्वंद्ववादी भौतिकवादी सामान्यीकरण है उस पर यह पुस्तक अलग ढंग से विचार करती है। भौतिकवादी जो विकास यात्रा है उसमें प्राकृतिक विज्ञान की क्या भूमिका रही है, पिछली सदी हमारी कैसी थी, उसमें उत्पादन की जो पूंजीवादी प्रणाली का विकास हुआ है, पूंजीवाद की जो उत्पादक शक्तियों का जो कब्जा है टेक्नोलॉजी पर, और उस तरह से उन्होंने प्रकृति पर किस तरह से कब्जा करने की कोशिश की है और इसको लेकर मानवीय सरोकार क्या है, मानव का दृष्टिकोण क्या है, जीव विज्ञान की अवधारणा क्या है, प्राकृतिक नियमों की क्या स्थिति है और उस पर जो लोगों के विचार हैं। दर्शन शास्त्र की पुस्तक है तो इसमें उसी रूप में बातें हैं। निश्चित रूप से जो ड्यूहरिंग की पुरानी प्रस्तावना जो द्वंद्ववाद के विषय में है वहाँ से ये पुस्तक शुरू होती है। इसमें प्रेतात्मालोक में प्रकृति विज्ञान, द्वंद्ववाद, गति के मूल रूप, गति
का माप कार्य, ज्वारीय घर्षण, कांट और थॉमसन की जो भूमिका है, उष्मा है, विद्युत है, बानर से नर बनने की जो प्रक्रिया में श्रम की जो भूमिका है, और विज्ञान के इतिहास, प्रकृति विज्ञान और दर्शन, द्वंद्ववाद, द्वंद्ववाद से जुड़े हुए सामान्य सवाल, द्वंद्ववाद के जो मूलभूत नियम हैं, द्वंद्ववाद का तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा और ज्ञान की सीमाओं से संबंधित जो बातें हैं, द्रव्य का जो गति रूप है और विज्ञानों के जो वर्गीकरण हैं, गणित की बात है, यांत्रिकी खगोल विज्ञान की बात है, भौतिकी और रसायन की बात है, जीव विज्ञान की बात है, और उससे संबंधित जो तालिकाएँ हैं वह भी इसके अंदर शामिल हैं। चूँकि एंगल्स जिस ज़माने में थे उस समय दुनिया बदल रही थी, हम आज जिस दुनिया को देखते हैं वह दुनिया तब नहीं थी। तेज़ी से मशीन आई हुई थी, मशीनों के चलते जो व्यक्ति हैं उनका श्रम का मूल्य निर्धारण हो रहा था, दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही थी। ऊर्जा का जो विकास है, विज्ञान की जो प्रक्रिया है, विज्ञान हर क्षेत्र में किस तरह से पैठ बना रहा था, मशीनें किस तरह से मानव श्रम की जगह ले रही थी और विचारों में किस तरह से उठापटक चल रही थी पूरी दुनिया में, खासकर यूरोप में, उन सब की बात इस पुस्तक में शामिल है। राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए, दर्शन के छात्रों के लिए, शोध छात्रों के लिए, और एंगल्स और मार्क्स के सिद्धांतों में रुचि रखने वालों के लिए हिंदी में यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। राजकमल पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य है 399 रुपये और पृष्ठ संख्या है 352। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हम विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन इसी समय पहुंचते हैं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। हमारी कोशिश होती है कि मैं उन पुस्तकों के बारे में आपको बता सकूं जो पुस्तकें अभी आई हैं और वे पुस्तकें किस रूप में आपको लाभान्वित कर सकती हैं। पुस्तकें पढ़ते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें, बुक कैफे देखते रहें और अपनी राय से हमें अवगत कराना ना भूलें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।